तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बनाते चला जा रहा है, जिससे कि अब देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच चुका है और इसमें से लगभग 1 लाख मरीज पिछले 5 दिनों में ही बढ़े हैं। ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से कुछ जरूरी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को फ्री में मिलेगा लैपटॉप, लेकिन पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास हैं तो वीडियो को देखते रहें, जानेंगे कैसे मिलेगा फ्री में लैपटॉप बस थोड़ी देर में। इसके अलावा इस महीने इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, रुक सकता है आपका जरूरी काम, जान ले वरना हो सकती है बड़ी परेशानी। साथ ही दोस्तों सभी किसानों का सरकार बनवाएगी किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे मिलेगा ये बड़ा फायदा, अभी जाने आवेदन करने का तरीका। तो दोस्तों कैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा जानेंगे बस थोड़ी देर में। इसके अलावा अगर आपका भी है LPG गैस कनेक्शन तो जल्द करें ये काम, वरना अगली बार से नहीं मिलेगी सब्सिडी। तो दोस्तों कौन सा है वो काम जिसे आपको जल्दी जल्दी निपटा लेना चाहिए, वरना आपका सब्सिडी लेने का हक खो जाएगा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। इसके अलावा मोदी सरकार गरीबों को 6 महीने तक देगी ये सुविधा, पाने के लिए करना होगा ये काम। साथ ही सरकार इस योजना में पैसा लगाने वालों को दे रही है बड़ी छूट, आप भी ले सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों ये सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम अपने मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। वही दोस्तों अगली खबर, 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को अब फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान। अगर आप भी हैं 10वीं या फिर 12वीं पास तो जल्द करें ये काम। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप अभी 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सभी 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए फ्री में लैपटॉप बांटने का ऐलान कर दिया है। तो ये कैसे मिलेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें सभी 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को अब लैपटॉप मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल 51 विद्यार्थियों को ही लैपटॉप दिए जाएंगे, यानी कि जो टॉप के 51 स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हीं को फ्री में लैपटॉप मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में सफल छात्र छात्राओं को अब वो फ्री में लैपटॉप देंगे। उन्होंने ये भी कहा जिन्होंने टॉप रैंक हासिल की है अब उन्हें फ्री में लैपटॉप देंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास सभी टॉपर को फ्री में लैपटॉप दिए जाएंगे। तो अगर आप अभी 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको भी अगर लैपटॉप चाहिए तो भी जरूर बताइए। वहीं दोस्तों अगली खबर, LPG गैस सिलेंडर को आधार कार्ड से जल्द करें लिंक, वरना नहीं मिल पाएगी सब्सिडी, सरकार ने नया नियम किया लागू। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपके पास भी LPG गैस का सिलेंडर है, आप भी LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये खबर जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बता दें सरकार ने LPG गैस सिलेंडर को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अगर आप अपना LPG गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो अब आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी, यानी कि आपका प्रत्येक गैस सिलेंडर पर जितनी भी सब्सिडी मिलती है, जो भी पैसे वापस मिलते हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों ये खबर क्या है जानने के लिए वीडियो को पूरा और आखिर तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों बता दें सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें अब आपको LPG गैस सिलेंडर को अपने आधार कार्ड से जरूर लिंक कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो भी सुविधा आपके LPG गैस कनेक्शन पर मिल रही है वो अब आपको नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, ये सरकार ने अब एक नया नियम लागू कर दिया है। तो दोस्तों अब आखिरकार आप अपने LPG गैस कनेक्शन को कैसे आधार कार्ड से लिंक करेंगे, आइए इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया आप ऑनलाइन या फिर घर बैठे SMS या फिर कॉल के जरिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, सरकार ने ये नई सुविधा शुरू की है, जिसमें आपको कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर, अमेरिका की चीन को सख्त चेतावनी, भारत को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अब अमेरिका चीन के खिलाफ उतारने जा रहा है अपनी सेना। जी हाँ दोस्तों, बता दें जहां दुनिया कोरोना से जूझ रही है, वहीं चीन भारत के साथ लगातार झड़प पे झड़प किए जा रहा है। दोस्तों बता दें अभी हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन दोस्तों इस झड़प के बाद अब अमेरिका की ओर से बड़ा बयान आ चुका है,
जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री की ओर से बताया गया है कि अगर चीन ने भारत को छेड़ा तो अमेरिका चीन को छोड़ेगा नहीं। अब अमेरिका भी चीन के खिलाफ अपनी सेना भेजने जा रहा है जो कि भारत की मदद करेगी। जी हां दोस्तों, यहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री की ओर से ये एक बड़ा बयान है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि अब दुनिया भर के कई बड़े देश धीरे धीरे भारत की मदद कर रहे हैं और चीन को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में अब भारत भी चीन के खिलाफ लगातार डटकर खड़ा हुआ है। अब किसी भी परिस्थिति से भारत निपट सकता है और LAC पर भी लगातार भारतीय सेना अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है। जैसे ही चीन की कोई भी नापाक चाल होती है वैसे ही भारतीय सेना उसको मुंहतेड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में हमारी भारतीय सेना के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिए। वहीं दोस्तों अगली खबर, 70 लाख किसानों को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे सभी किसानों को मिलेंगे ये बड़े फायदे। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप एक किसान है या फिर एक छोटी मोटी खेती बाड़ी काम करने वाले इंसान है तो आपके लिए ये खबर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार सभी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करा रही है जिससे आपको सीधे सीधे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें 70 लाख किसानों को शुरुआती दौर में किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। कैसे मिलेंगे और क्या करना पड़ेगा आपको जानने के लिए वीडियो को पूरा और आखिर तक जरूर देखना। दरअसल दोस्तों बता दें कि किसान को खरीफ के दौरान बुआई और जरूरतों को पूरा करने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज सीमा के साथ में बैंकों ने सभी किसानों को अब तक 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। जी हां, सभी बैंकों ने अभी तक किसानों को 70 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, जिससे कि सभी किसानों को बड़े फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों बता दें इस किसान क्रेडिट कार्ड से आप खेती किसानी से जुड़ी हुई कई बड़ी चीजें खरीद सकते हैं। जैसे आपके अगर ट्रैक्टर नहीं है तो ट्रैक्टर आप कम से कम दाम पर खरीद सकते हैं, या फिर आप जो भी बीज बुआई करना चाहते हैं वो भी आपको कम दामों पर मिल जाएंगे। दोस्तों बता दें कि अगर आप अब तक KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो अब आप बेहद आसान तरीके से इसे बनवा सकते हैं। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड को 4% पर 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिलता है, यानी कि आपको मात्र 4% ब्याज पर आप 3 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा PM किसान योजना के तहत भी आपको 6,000 रुपए का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये किसान क्रेडिट कार्ड आपको कैसे बनवाना है, क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, कौन कौन से कागजात लगेंगे, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। दरअसल दोस्तों बता दें कि आपको KCC बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई एक ID प्रूफ होना चाहिए। जी हाँ, ID प्रूफ यानी कि आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड के अलावा अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार के द्वारा दी जा रही इन सभी सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। वहीं दोस्तों अगली खबर, देश में लागू हुआ अनलॉक 2.0, लेकिन नहीं थम रहे हैं कोरोना के मरीज। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 6 लाख के पार। जी हां दोस्तों बता दें, देश भर में अनलॉक 2.0 1 जुलाई से लागू हो चुका है, लेकिन अनलॉक में जिन छूटों को दिया गया था उन छूटों का असर भी देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, अनलॉक 1 जब लागू हुआ था तब कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अनलॉक 1 लागू होने के बाद ही कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसी के बीच अब अनलॉक 2.0 भी 1 जुलाई से लागू हो चुका है, जिसमें अब कोरोना के मरीजों की संख्या और भी तेजी से बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, रोजाना 20,000 से अधिक नए कोरोना मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसे अब कोरोना के मरीजों की संख्या पूरे देश में 6 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि यहां पर राहत देने वाली बात यह है कि रिकवरी रेट 60% से भी अधिक हो चुका है, यानी कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों की संख्या से ज्यादा हो चुकी है, जो कि एक काफी ज्यादा राहत की बात है। लेकिन देश भर में तेजी से बढ़ते हुए इन कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अनलॉक 2.0 की भी घोषणा की गई है, जिसमें अब सरकार कई बड़ी और छूटें भी दे रही, जिससे कि अब देश भर में लगभग सभी तरह के काम धंधे फिर से शुरू हो चुके हैं। वह दोस्तों अगली खबर, मोदी सरकार ने की एक नई घोषणा, अब सभी गरीब भाइयों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, ऐसे आप भी ले सकते हैं पूरा लाभ। जी हाँ दोस्तों, बता दें सरकार ने एक नई घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब सभी गरीब भाइयों, मजदूर और किसानों को नवंबर तक यानी कि आगे आने वाले 6 महीनों तक अब मुफ्त में राशन मिलेगा। दोस्तों बता दें कि सरकार ने अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों के लिए सभी को मुफ्त में राशन देने की घोषणा की थी, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है उसको देखते हुए सरकार ने ये नया ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब सभी गरीबों को PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 6 महीने
महीने और मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आपके पास में राशन कार्ड बना है तो आपको मुफ्त में राशन तो मिलेगा ही, साथ में आपको कुछ और भी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उनको भी अब मुफ्त में राशन मिलेगा। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 20 करोड़ परिवारों को अब सीधा लाभ पहुंचने वाला है, जिसमें हमारे सभी गरीब भाइयों को अगले 6 महीनों तक मुफ्त में राशन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।